की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बंधु सतगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम, अशुभ हरन मंगल करन धनी श्री देव चंद्र जिना। श्री प्राणनाथ निज मूल पति, श्री मिहिराज सुना। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम, पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। बोले श्री प्राणनाथ प्यारी की। लाम कान सुन निर्गुण, छोड़ फना निरंजन, छर अक्षर को छोड़ के एताको मंगला चरण, एताको मंगला चरण। और ढाल चली। अब आवरे इश्क भानुहा, धाम तेरी अक्षरातीत ने इस परिक्रमा ग्रंथ में यह दर्शाया है कि हमारी आत्मा इस नश्वर जगत में रहते हुए कैसे अपने उस मूल घर को देखे। सामान्य सी बात होती है, जब परम धाम का वर्णन एक प्रवाही पढ़े तो शायद उसकी आस्था किरंतन पढ़ने से जो बनी रहेगी, कलश पढ़ने से बनी रहेगी, उस समाप्त हो जाएगी, क्योंकि उसके मन में प्रश्न खड़ा हो जाएगा कि परम धाम की जो भावना तारतम वाणी में दर्शाई गई है क्या वो सच है। ऐसा परम धाम जिसमें यमुना जी बहती हों, झूले लगे हों, मानिक पहाड़ हो, पुखराज हो, हौज गोसर हो, यमुना जी के साथ घाट हो, आठों सागर हो, तो ऐसा लगता है कि कहीं माया की दुनिया जैसी वहां भी है क्या। एक वेदांत पढ़ने वाला प्रश्न खड़ा कर देगा कि कहाँ है वह परम धाम। यदि प्रकृति से परे है तब तो परमात्मा सीमाबद्ध हो जाएगा। ऐसे कई कठिन प्रश्न उसके मन में झिझोड़ने लगेंगे और वो निर्णय नहीं कर पाएगा कि हमें करना क्या है। परिक्रमा ग्रंथ अक्षरातीत का हृदय कहा जा सकता है। हृदय परिक्रमा, कंठ सागर, मुख सिंगार, नासिका सिंधि, ये अलंकारिक भाव है। अक्षरातीत का हृदय यदि प्रेम है तो प्रेम परिक्रमा में परिपुष्ट हुआ है। पहला चरण कहा गया है, अब आओ रे इश्क भानुआ। इसके पहले प्रकरण की अंतिम चौपाई में कहा है, ला मकान सुन निर्गुण, छोड़ फना निरंजन, छर अक्षर को छोड़ के एता को मंगलाचरण। ला मकान जिसको निराकार कहते हैं, सारी दुनिया निराकार में भटक रही है। ये निराकार कितना बड़ा है, अनंत। सारी सृष्टि के मनीषी जन लग जाएं और इस निराकार सृष्टि का ओर छोर खोजें तो कभी भी संभव नहीं है। आप सोचिए, हमारी गैलेक्सी जैसी असंख्यों गैलेक्सियां हैं और हमारी गैलेक्सी में हमारे सूर्य जैसे अरबों तारे हैं। हमारी पृथ्वी इस सृष्टि को यदि समुद्र का किनारा मान लिया जाए
तो हमारी पृथ्वी उस समुद्र के किनारे धूल के एक कण के बराबर भी अस्तित्व नहीं रखती। और इस पृथ्वी पर हमारा क्या अस्तित्व है हम अच्छी तरह से जानते हैं। जितने अनंत की कल्पना हम कर सकते हैं, निराकार का मंडल उससे भी अनंत है। अक्षरातीत अनंत है तो उनका उनके सत अंग का बेहद मंडल भी वैसे ही अनंत है, और शून्य निराकार का मंडल भी अनंत है। तीनों अनंत है। हम सीमा रेखा नहीं खींच सकते। हाँ, तारतम्य ज्ञान के प्रकाश में हम कह देते हैं कि ये क्षर का हद का मंडल है, ये बेहद का मंडल है, और ये परमधाम का मंडल है। जीव सृष्टि सारी शक्ति लगाकर निराकार के परे के बारे में नहीं सोच सकती। इसलिए जहाँ भी वेद में, उपनिषद में, दर्शन में वर्णन आया है कि परमधाम कैसा है, तो सबने मान लिया कि सृष्टि के कण कण में परमात्मा है। और परमधाम भी क्या है, कोई स्थान विशेष नहीं है, अवस्था विशेष है। वेद का, विद्वान का, बड़ा से बड़ा व्यक्ति यही मानेगा कि इस निराकार से तो परे कुछ है ही नहीं, और ब्रह्म जहाँ है वहाँ माया का विकार नहीं है। इसलिए जो व्यक्ति मुक्त हो जाता है, जहाँ संकल्प करेगा ब्रह्मधाम का सुख वैसा ही मिलता रहेगा। जैसे उपनिषद में कहा गया है, गीता में भी यह बात दर्शाई गई है, न तत्र भास्ते सूर्यो न शशंको न पावक यद गत्वा न निवर्तन्ते तत् धाम परमम। जहाँ जाने के बाद लौटना नहीं होता वह मेरा परम धाम है। वहाँ सूर्य नहीं चमकता, चंद्रमा नहीं, विद्युत नहीं, अग्नि नहीं। ये गीता का कथन है और ऐसा ही कथन कठोपनिषद का भी है। लेकिन गीता, उपनिषद, वेद जहाँ थक जाते हैं, आपने सेवा पूजा में पढ़ा होगा, गीता की जहाँ गम नहीं वह सतगुरु का देश। और जैसा श्लोक में लिखा है, न तत्र भास्य सूर्यो न शशंको न पावका, उस चौपाई में कहा गया कि चांद सूरज की गम नहीं, नहीं पाहु को काम, पहुँचे सो आवे नहीं, सोई मुकुंद निज धाम। श्लोक का जैसा का तैसा अनुवाद है, लेकिन एक वेदांती या वेद का अनुयायी वैसा नहीं सोचेगा जैसा कि हम सोचते हैं। वो ये मानेगा कि जो ब्रह्मधाम का सुख है अवस्था विशेष है, स्थान विशेष नहीं है। आर्य साहब ने कई वर्ष पहले मुझे एक ग्रंथ दिया था, संभवतः वो ग्रंथ उनके पास होगा। इसी विषय पर एक पूरा ग्रंथ लिखा गया है कि जो इस संसार से परे परम धाम की कल्पना करते वो झूठी है, कोई परम धाम नहीं है। हाँ, परम धाम के सुखों की बात जो कही जाती है, अनंत प्रेम, अनंत सौंदर्य, अनंत आनंद, इस नश्वर जगत में ही जब जीव मुक्त हो जाता है तो सब कुछ दिखता रहता है। संसार के सभी वेद के हजारों लाखों विद्वान इसी सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं। वाणी कुछ और कह रही है, ला मकान, कतेब की भाषा में ला मकान शून्य निर्गुण छोड़ फना निरंजन। आप जिस पृथ्वी मंडल पर रह रहे हैं, जिस गैलेक्सी में रह रहे हैं, जिस सृष्टि में रह रहे हैं, उस सृष्टि को छोड़ दीजिए, क्षर अक्षर को छोड़कर बेहद मंडल को भी छोड़ दीजिए, अब वहां से परम धाम की बात होती है। क्योंकि इस मायावी जगत में उस परम धाम की केवल कल्पना भर की जा सकती है। आप देखेंगे यहां सूर्य का तेज है, असंख्यों गैलेक्सियों का तेज है, लेकिन प्रेम नहीं है, आनंद नहीं है। प्रेम और आनंद की बातें होती हैं, लेकिन वह अनुभव जन्य केवल समाधि में थोड़े समय के लिए होता है। वेद में कहा गया है, यत्र ज्योति अजस्रम यस्मिन लोके स्वहितम तस्मिन माधे पावन अमृते लोके अक्षत इंद्रा इंद्रो परिश्रम। हे परमात्मा, जहाँ अनंत आनंद है, जहाँ अनंत ज्योति है, अखंड ज्योति है, मुझे वहां ले चल। यत्र आनंदाह च मुदाह च मुदा प्रमुदा आस्ते कामस्य यत्र कामा तत् माम अमृतम किंत इंद्रा इंद्र परिस्वा। इस पूरे सूत्र में यही बात कही गई है, किंतु वेद के विद्वान कहेंगे कि ऐसा नहीं है। यत्र का तात्पर्य है जहाँ, लेकिन वेद के विद्वानों का कहना है कि यत्र का तात्पर्य प्रकृति से परे कोई परम धाम नहीं है।
इसी संसार में सब कुछ है। तभी तो श्री जी को कहना पड़ा, चौदह तब को बका का कोई बोलिया ना एक हरफ। इस निराकार से परे कोई जा ही नहीं पाया, तो परिणाम क्या हुआ, सबने मान लिया कि वो परम धाम की जो बात कही जाती है वेद उपनिषद दर्शन में, वो सब कुछ इसी संसार में है सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप से, और इसके अतिरिक्त कोई दूसरा चारा भी नहीं रह गया कि संसार के लोग उसको घटा सके। तारतम वाणी का जो दार्शनिक तत्व है इसी को पुष्ट करता है कि हमारा जो परम धाम है माया से परे है, हद से बेहद से परे है। अब उसको देखना है, देखने के लिए क्या चाहिए, परम धाम का प्रेम चाहिए। पहले प्रकरण में इसी के प्रेम का ही प्रकरण है और कुछ नहीं। अब आओ रे इश्क भानुहा करूं चरण तले विश्राम। इसके पहले प्रकरण में क्या कहा गया, अब कहूं रे इश्क की बात, इश्क शब्दातीत साक्षात, जो कदी आवे मिने शब्द तो चौदह तबक को करे रद। चौदह तबक को करे रद का तात्पर्य क्या है, जिसके हृदय में धनी का इश्क आ जाएगा उसके लिए चौदह लोकों के ब्रह्मांड का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। हमारे लिए दुनिया कब तक है आप बताइए, यदि आप मर गए तो भी दुनिया से बाहर नहीं जा सकते, फिर जन्म लेना ही पड़ेगा। लेकिन यदि आपके अंदर प्रेम आ गया तो चाहे स्थूल शरीर हो, सूक्ष्म शरीर हो, कारण शरीर हो, आपके लिए तो संसार का अस्तित्व है ही नहीं, क्योंकि आप शरीर और संसार दोनों से परे हो जाते हैं। प्रेम जब आया प्रेम सुहागी मोह जल लहरा भागी, जिसके अंदर परम धाम का प्रेम आ जाएगा। मोह और प्रेम में 36 का आंकड़ा है, प्रायः सुंदर साथ मोह को प्रेम समझ लेते हैं। अपने बच्चे से लगाव है तो कहते हैं कि मैं अपने बच्चे से प्रेम करता हूँ, मैं अपनी पत्नी से प्रेम करता हूँ, अपनी अपने पति से मैं प्रेम करती हूँ, अपने भ्राता से, मित्रों से हम प्रेम करते हैं, प्रेम शब्द का हम प्रयोग कर देते हैं, वो प्रेम नहीं है। जब आप सात्विक प्रेम करते हैं, सात्विक लगाव रखते हैं तो स्नेह है, रजोगुण की भावना से आसक्ति रखते हैं तो आसक्ति है, और तमोगुण के भाव में ग्रसित होकर आप उससे लगाव रखते हैं तो मोह कहलाएगा। मोह सत्व रजतम का एक ऐसा बंधन है जिसमें संसार के रिश्ते प्रमुख होते हैं। मोह और प्रेम में ऐसा अंतर है कि प्रेम में अपने को लुटाया जाता है, मोह में कुछ पाने की चाहत होती है। आप ये कह सकते हैं कि माँ तो अपना दुग्ध पान कराती है, मलमूत्र बचपन में उठाती है, क्या वो माँ भी मोह करती है। माँ में भी मोह भी है, आसक्ति भी है और स्नेह भी है, प्रेम नहीं है। प्रेम शब्दातीत है, प्रेम अक्षरातीत के हृदय में बसता है। संसार के किसी भी रिश्ते में प्रेम नहीं बस सकता, जिसके हृदय में प्रेम आ जाएगा वो तो संसार से नज़र अपनी अलग कर लेगा। माँ को भी ये चाहत होती है, जब मैं बूढ़ी हो जाऊँगी मेरा बेटा मेरी देखभाल करे, मेरे बुढ़ापे की लाठी बने। पत्नी भी कुछ चाहती है, पति भी कुछ चाहता है, मित्र भी कुछ चाहता है, भाई बहन भी कुछ चाहते हैं। वास्तविक प्रेम जिसको प्रेम कहते हैं वो है आत्मा का प्रेम, जो शरीर के धरातल पर नहीं होता। आप देखेंगे प्रेम का स्वरूप निर्विकार होता है, प्रेम कभी टूटता नहीं है। मृत्यु का बंधन भी प्रेम को तोड़ नहीं सकता। जिसने प्रेम को समझ लिया, जिसने अपनी आत्मा का संबंध अक्षरातीत से जोड़ा, वही प्रेम और मोह के भेद को समझ सकता है। किसी से लगाव को यदि आप प्रेम कहते हैं तो वास्तव में वो प्रेम नहीं है, प्रेम देना जानता है, प्रेम लेने के बारे में नहीं सोचता। जिसको राज्य से प्रेम होगा वो राज्य से कोई मांग नहीं करेगा कि हमको परम धाम दिखाइए, हमको ज्ञान दे दीजिए, सुंदर साथ में हमारी प्रतिष्ठा दे दीजिए, हमें शोभा दे दीजिए, क्योंकि हम तो कुछ देकर कुछ लेने लगते हैं, ये मोह का संबंध है। किसी से बहुत लगाव है उसमें दुराव हो सकता है, ये मोह है, आसक्ति है, स्नेह है। प्रेम अखंड है, प्रेम ब्रह्म दो एक है सो दो दुनी में ना है। प्रेम और ब्रह्म का एक स्वरूप है, प्रेम में विकार नहीं आता, मोह में विकार। आज बहुत घनिष्ठता है, कल बोलने के लिए भी राजी नहीं है।
ये मोह है। लेकिन प्रेम तो अनंत काल से है, अनंत काल तक रहेगा। मोह के रिश्ते टूटते फूटते रहते हैं। अब देखिए, एक ऐसा समय आता है आजकल युवा वर्ग में एक दूसरे के प्रति आकर्षण बढ़ता है। एक दूसरे का विवाह न हो तो कोई ट्रेन के नीचे कट जा रहा है, कोई फांसी लगा रहा है। यदि दोनों का विवाह कर दीजिए तो दो चार साल के बाद सुनने में आता है कि उनका तलाक भी होने की नौबत आ गई, उनमें झगड़ा हो जाता है। कभी एक दूसरे के लिए तड़पते थे, अब एक दूसरे के से दूर हो जाते हैं अमूमन, क्योंकि ये मोह का बंधन है। कभी वो अच्छा लगता है, कभी उसमें दोस्त दिखने लगते हैं। यौवन अवस्था में शरीर सुंदर होता है तो लगाव बढ़ जाता है। 70 साल की अवस्था में जो लगाव होता है वो हृदय का लगाव होता है, शरीर की सुंदरता तो रह नहीं जाती। लेकिन प्रेम ऐसा निर्विकार पदार्थ है जो अंतरात्मा की पुकार है, जो परम धाम में होता है, आत्मा और परमात्मा में होता है। परब्रह्म की लीला का अभिन्न अंग है प्रेम, परब्रह्म का स्वरूप है प्रेम। इसलिए उस प्रेम को हम सत्व रज तम के धरातल पर जब हम संसार में घटाने का प्रयास करते हैं तो हम कहीं ना कहीं भटक जाते हैं और प्रेम का स्वरूप भी विकृत होने लगता है। आप किसी से कह दीजिए कि मैं उससे प्रेम करता हूँ तो लोग दूसरी बात सोचेंगे, वो संसारिक प्रेम ले लेते हैं। एक घटना है, एक कोई विद्वान थे, शायद इस्लामिक जगत के विद्वान थे। उन्होंने देखा एक युवक और युवती खूब हंस रहे हैं। वो गए और फटकार लगाने लगे कि तुम दोनों यहाँ अकेले क्या कर रहे हो, तुम बहुत अपराधी हो। जो उनके मन से गुब्बार निकला, खरी खरी बातें काफ़ी सुनाई। वह युवक सुनता रहा। जब वो शांत हो गए, अपनी सारी अमृत वाणी सुनाकर वह युवक बोलता है कि महाशय, यह मेरी सगी बहन है और ये विधवा हो गई है, इसको आनंदित करने के लिए मैं हंसी कर रहा था। आपके मन में क्या ऐसा लगा कि हम संसारिक युवक युवती नहीं हैं जो आप सोच रहे हैं? फिर उस सज्जन को भी पश्चाताप हुआ कि मैंने इनके हंसी मजाक को देखकर क्या सोच लिया। कहने का से क्या है, प्रेम वह तत्व है जिसके वशीभूत होने पर समाधि लगाने वाले शंकर जी भी नतमस्तक हो जाते हैं, सुखदेव जैसा योगेश्वर भी हाथ खड़े कर देता है। बड़े बड़े ऋषि मुनि प्रेम की एक झलक पाने के लिए तरसते हैं। और महामती जी की आत्मा कह रही है सब सुंदर साथ को संबोधन करने के लिए, अब आओ रे इश्क भानुआ। यदि हमारे अंदर परम धाम का प्रेम आ जाए तो मैं अपनी चाहत मिटा लूं। भान का तात्पर्य है प्रबल चाहना। बुद्धि के तर्कों से यह बात सिद्ध नहीं हो पाती है, क्योंकि संसार कभी यह मानने के लिए तैयार नहीं है कि इस निराकार के परे भी कुछ है। बड़े बड़े चारों वेदों के विद्वानों से पूछ लीजिए, दर्शनों के विद्वानों से पूछ लीजिए, बड़े बड़े साइंटिस्टों से पूछ लीजिए, कहेंगे कि इस निराकार प्रकृति के परे कुछ है ही नहीं, ये तो अनंत है। ईश्वरीय सृष्टि कह देगी कि नहीं, इसके परे भी बेहद मंडल है, योग माया का ब्रह्मांड है। और योग माया के ब्रह्मांड का वर्णन चारों वेदों में है, उपनिषदों में कुछ झलक है, पुराण संहिता महेश्वर तंत्र में भी है। लेकिन बेहद मंडल से भी परे कुछ है। वेद ने केवल संकेत कर दिया त्रिपात उर्द उदयित पुरुष, लेकिन इसका रहस्य नहीं खोला गया वेद में। त्रिपात उर्द उदयित पुरुष का अर्थ क्या है कहीं भी स्पष्ट नहीं मिलेगा। ये तारतम्य वाणी के प्रकाश में ये सब कुछ जाना जा सकता है। ऐसे परम धाम की बात तब की जा रही है, लेकिन जब उसको पढ़ते हैं तो जहाँ थोड़ा भी संशय का एक अंकुर होगा तो समस्या खड़ी हो जाती है, प्रश्न खड़ा होता है कि हम इस दुनिया में नदियों को देखते हैं, सुंदर नदी है। अब यमुना जी के सातों घाटों की लंबाई चौड़ाई आप दुनिया के हिसाब से माप लें
और ये कह देंगे कि केवल 12,000 ही ब्रह्म सृष्टियाँ और परम धाम में रहती हैं, तो 12,000 से ज़्यादा तो हिंदुस्तान के एक छोटे से गांव की संख्या हो जाती है, संशय तो खड़ा होगा। क्या परमात्मा अनंत शक्ति वाला, अनंत शोभा वाला परमात्मा एक हवेली के अंदर रहता है, एक रंगमहल के अंदर जो 9 मंजिल ऊंची है? आप दुबई में देखिए कितनी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें हैं, और हमारे परम धाम का रंगमहल 1-9 मंजिल का है, ये तो किसी के बात गले नहीं उतरती। लेकिन ये सोचिए कि ये वर्णन क्यों किया गया है। आपको बताया जाए कि गंगोत्री का जल कैसा होता है, तो गंगोत्री के सारे जल को तो यहाँ ला नहीं सकते, आप क्या करेंगे, एक बोतल में गंगोत्री का जल भर लाएंगे और कहेंगे कि यही गंगोत्री का शुद्ध गंगा जल है। वैसे ही अनंत को छोटे से शब्दों में दर्शा दिया गया, परम धाम रूपी अनंत सागर की रसधारा को एक चम्मच में लाकर श्री जी ने कह दिया कि देखो परम धाम को हमने शब्दों की सीमा में बांध रखा है, क्योंकि शब्द से परे है बेहद, शब्दातीत के पार है, बेहद से परे अक्षर है, और अक्षर से परे आपका रंगमहल है। परम धाम के 25 पक्षों की जो भी शोभा आई है वो अक्षरातीत के हृदय का बहता हुआ रस है। आप ये ना समझिए कि यहाँ की तरह वहाँ पहाड़ है, यहाँ की तरह वो नदी है। यमुना जी को एक दुनिया की सामान्य नदी नहीं समझना चाहिए, अक्षरातीत के हृदय में जो प्रेम का रस है, श्यामा जी और सखियों के हृदय में जो आनंद का रस प्रवाहित हो रहा है, वही रस जलधारा के रूप में दिखाई दे रहा है जो यमुना जी के 7 घाटों की शोभा के रूप में दृष्टिगोचर होता है। कहीं ना कहीं अक्षरातीत के हृदय से निकलने वाली जो प्रेम आनंद ज्ञान एकत्व सौंदर्य का जो रस है 25 पक्षों के रूप में दृष्टिगोचर हो रहा है। यदि हम इस संसार के से उसकी तुलना करेंगे तो कहीं ना कहीं हम भ्रांति के शिकार हो जाएंगे। हाँ ये जरूर है, क्योंकि अर्श का वर्णन किया ले मसाला इत का, यहाँ के ही दृष्टांतों से अब आपको समझाया जाएगा। आप कल्पना कीजिए माणिक पहाड़, हम एक छोटे से माणिक नग को अंगूठी में लगा लेते हैं, सबसे दिखाते रहते हैं, देखो मेरे ये माणिक का नंग हमने जड़ा रखा है। ऐसा माणिक पहाड़ जिसका वर्णन, जिसके झूलों का वर्णन पढ़िए, चौरस हवेलियों का वर्णन पढ़िए, गोल हवेलियों का वर्णन पढ़िए, कितनी भूमिका का है आप चर्चनी में अच्छी तरह से सुनते हैं। और पूरे एक हीरे के नग में हौज कोसर हो, नूरमयी हीरा जिसके एक कण के तेज के सामने करोड़ों सूरज छिप जाए, ऐसा वह हौज कोसर हो और हम अपने प्रीतम के साथ हौज कोसर में के जल में क्रीड़ा करें। हौज कोसर के मध्य में टापू महल आया है, उसकी चांदनी पर बैठकर चांद चौदहवीं रात को प्रीतम की प्रेम लीला का आनंद लें, तो सोचिए वह दृश्य कैसा होगा। पुखराज के एक नग में पूरा पुखराज पर्वत है, तो ऐसा नहीं समझना चाहिए कि यहाँ का पुखराज है, यहाँ का पुखराज तो जड़ है, चेतन आत्मा का जो स्वरूप होगा, मैंने इसके पहले की चर्चा में बताया है किस तरह से एक सूक्ष्म जीव जो बाल के नोक के 10,000 टुकड़े किए जाएं उससे भी सूक्ष्म चैतन्य जीव होता है, लेकिन उसका तेज 16 सूर्यों से भी के तेज से अधिक होता है। ये तो जीव की तेज का मैंने वर्णन किया। परम धाम का एक एक कण तो अक्षरातीत का हृदय है, और एक एक कण में अनंत सूर्यों का प्रकाशमान है, प्रकाश क्रीड़ा कर रहा है। हमारी सुरता उस अनंत परम धाम में कैसे विचरण करे। पुराण संहिता में जब भगवान शिव ब्यास जी को परम धाम का वर्णन सुनाने लगते हैं तो ब्यास जी को भी संशय हो जाता है कि प्रभु ये बताइए, आप कह रहे हैं कि वहाँ ये पर्वत है, यमुना नदी है, रंगमहल है, हवेलियाँ हैं, तो ये इस संसार में भी होती है, क्या परम धाम भी इस संसार जैसा है? उत्तर मिलेगा नहीं। कह दिया जाए कि परम धाम अनंत है, आखिर अनंत है तो प्रकाश ही प्रकाश तो फैला हुआ है। आप एक बात बताइए, इंद्रधनुष तो आपने देखा होगा, सभी ने देखा होगा प्रायः,
शहर वालों को देखने को नहीं मिला होगा, गांव वाले तो देख ही लेते हैं, क्योंकि शहरों में तो बड़े बड़े भवन होते हैं, आजकल कमरों से कौन निकलता है। जब सूरज उगता है, सूरज डूबता है, देखिए सूरज के उगने और डूबने से पहले आकाश में कैसी लालिमा फैल जाती है, कैसा श्रृंगार हो जाता है। इंद्रधनुष का बनना बिगड़ना, बादलों और सूर्य के प्रकाश की अटखेलियों से कितना सुंदर चित्र बन जाता है, लगता है कि किस चित्रकार ने यह चित्रकारी की है। यदि ऐसा होता है तो परम धाम का अनंत नूरमयी प्रकाश जब क्रीड़ा करेगा, कोई आकृति तो धारण करेगा, वही लीला रूप में जो आकृति धारण की गई है अक्षरातीत के हृदय से निकले हुए नूर ने, वही तो पुखराज है, वही मानिक पहाड़ है, वही हौज कोसर है, वही जमुना जी के साथ घाट हैं, वही आठों सागर हैं और उनके बीच की भूमियाँ हैं। 25 पक्ष में जो कुछ दिख रहा है वो लीला के लिए है, अनंत है परम धाम, और अक्षरातीत भी अपनी अनंत आत्माओं के साथ। आपको संशय हो रहा होगा अनंत शब्द क्यों कह दिया गया, क्योंकि ये जो संख्या बताई गई है 12,000 की, ये तो हमारी मस्तिष्क में समझ में आने के लिए है। परम धाम में किसी भी वस्तु को आप गणना में सीमित नहीं कर सकते हैं। इंतहाए नहीं अर्शभूम का, सब चीजों नहीं सुमार। पुखराज मानिक पहाड़ में देखेंगे 12,000 की गणना में सबको बांध दिया गया है कि 12,000 हवेलियां हैं, 12,000 ये हैं, 12,000 ये हैं। एक आधार लिया गया है कि किसी तरह से हम बता सकें एक चम्मच चक कर गंगोत्री के जल की, गंगा के जल की महत्ता हम बता सकते हैं। बस इतनी सी बात है, हम यदि मानने लगते हैं कि बस इतना ही है तो परम धाम आपका एक छोटा सा गांव हो जाएगा, छोटा सा नगर हो जाएगा, और वो संसार को कभी भी स्वीकार नहीं होगा। सब हंसी उड़ाएंगे कि इनके राज्य एक छोटे से नगर में रहते हैं 12,000 सखियों के साथ। तो आप सोच लीजिए, एक छोटा मोटा देश भी का राजा भी कहीं ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि एक छोटे मोटे देश का राजा भी कई लाखों की नगर की वाली राजधानी में रहा करता है। और यदि हमारे परम धाम में 12,000 ही सखियाँ हों तब तो समस्या और खड़ी हो जाती है। रास में आपने कई बार सुना है एक ही राज्य श्री कृष्ण के रूप में 12,000 रूप धारण कर लेते हैं और फिर अंतर्धान हो जाते हैं, छिप जाते हैं। मानिक पहाड़ में 12,000 हिंडोले हैं, एक एक हिंडोले में 12,000 सखियाँ बैठती हैं, 1,44,00,000 तो यही हो गई। वो भी समझने के लिए आप ये नहीं कह सकते कि रंग महल की सीमा इतनी ही है और केवल 12,000 ही सखियाँ रहती हैं। बड़ी रंग की हवेलियों की जो गणना की जाती है उसके सामने रंग महल कहीं नहीं ठहरता। मानिक पहाड़ के एक थंबे में पूरा रंग महल आ जाएगा और बड़ी रंग की हवेलियों के एक थंबे में पूरा मानिक पहाड़ आ जाएगा, फिर भी अनंत। हमारी बुद्धि कितनी लंबी कितनी भी दौड़ लगाए परम धाम का ओर छोर नहीं नाप सकती। एक चींटी को कहिए या एक झिंगुर प्राणी को कहिए कि भाई सातों समुद्र की परिक्रमा लगा करके बताए कि समुद्र में कितना पानी है, वो बेचारा तो लहरों में डूबता उतराता रहेगा। हिंद महासागर को क्या, एक बंगाल ये लंका से लेकर बंगाल की खाड़ी तक नहीं आ पाएगा, सातों समुद्र की परिक्रमा क्या करेगा। वैसे ही है अस्राफील बेचारा क्या वर्णन करेगा परम धाम की शोभा का। ये निर्णय करना अर्श का तात्पर्य परम धाम कितना लंबा चौड़ा है, परम धाम में कितनी सखियां हैं, कितना विस्तार है, यमुना जी कितनी लंबी चौड़ी है, ये निर्णय करना अर्श का तिन में भी हक जात। नूर अकल इत क्या करे जित लदुन्नी गोते खात। हमको तो जो बुद्धि मिली है वो भी नारायण के पैदा किए हुए जीव की बुद्धि है और उसका भी 10% से अधिक उपयोग करने की हमारी समर्थ नहीं है, और इस बुद्धि को लेकर हम गणना करने बैठ जाते हैं कि परम धाम इतना लंबा चौड़ा है, वो तो हमारी बुद्धि में समझ में आने के लिए। अनंत परम धाम किसी भी तरह से हमारे हृदय में बस जाए, क्योंकि वो हमारी लीला भूमि है, हौज कौसर मानिक पहाड़ पुखराज, और इसके लिए केवल प्रेम का सहारा लेना पड़ेगा। बुद्धि के सहारे परम धाम में प्रवेश नहीं किया जा सकता। बुद्धि के सहारे हम मोटी मोटी जानकारी भर ले सकते हैं, मन को तसल्ली दे सकते हैं
कि 25 पक्षों की हमें जानकारी है, क्योंकि जब तक मन सूक्ष्म नहीं होता, शांत नहीं होता, परम धाम के 25 पक्षों में विचरण करना संभव नहीं। पहली चौपाई से ही शर्त रखती कि अब कहूँ रे इश्क की बात, यदि प्रेम नहीं है, जब चढ़े प्रेम के रस हुए धाम धनी बस, प्रेमे गम अलग की करी त्रैलोकी की खोली चक। प्रेम पहले चाहिए तो आपका परम धाम में प्रवेश होगा। अब परम धाम का दर्शन करना है तो भी ये चौपाई कही जा रही है, अब आओ रे इश्क भानुआ करूं चरण तले विश्राम। देखो वतन, देखो वतन अपना निज धाम, देखो वतन अपना निज धाम, मैं अपने निज घर को देखो। बिना प्रेम आए बिना नहीं होगा। आपको अक्षर की जागृत बुद्धि दे दी जाए तो भी संभव नहीं। तभी तो कहा है नूर अकल इत क्या करे, क्या अश्राफिल के लिए संभव था 25 पक्षों का वर्णन करना। जित लदुन्नी गोते खात, लदुन्नी का तात्पर्य क्या है, तारतम। तारतम का स्वरूप क्या है, साक्षात स्वरूप इंद्रावती तारतम को अवतार। तारतम के स्वरूप श्रीराज जी, साक्षात स्वरूप इंद्रावती, इंद्रावती जी के अंदर राज्य का साक्षात आवेश स्वरूप विराजमान है, तारतम के अवतार, और इन स्वरूप को तारतम का अवतार कहा गया है। यानी अक्षरातीत का आवेश स्वरूप जब ज्ञान के स्वरूप में महामती जी के धाम हृदय में विराजमान हो रहा है तो इसको तारतम का अवतार कहा जाता है। उसी को यहाँ लदुनी कहा गया है। अक्षरातीत कह रहे हैं कि मैं आवेश स्वरूप से महामती जी के धाम हृदय में बैठकर स्वयं परम धाम का वर्णन कर रहा हूँ, आत्माओं की शोभा का वर्णन कर रहा हूँ। जब मुझे भी ऐसा लग रहा है कि कैसे व्यक्त करूँ तो बेचारी जागृत बुद्धि क्या वर्णन करेगी। जब जागृत बुद्धि को पता नहीं, सामर्थ्य नहीं, जिब्रील बेचारा क्या करेगा जिसके द्वारा अखंड का ज्ञान किया। जो जिब्रील और अस्त्राफील के लिए संभव नहीं, नारायण बेचारा क्या करेगा। और संसार के प्राणी तो उहापो में ही रह जाएंगे, तर्क वितर्क में ही रह जाएंगे और परम धाम उनसे दूर हो जाएगा। इसलिए मंगलाचरण पूरा होने के बाद जो प्रकरण शुरू होता है उसमें यही कहा गया है, अब आओ रे इश्क भानुहाम, देखो वतन अपना निज धाम। परम धाम देखना है तो अपनी बुद्धि को निकाल कर संदूक में बंद कर दीजिए, बुद्धि से कोई काम ना लीजिए। सुंदर साथ जो चर्चनी के जानकार हैं, पर पुराने समय से परंपरा चली आ रही है, रात्रि को जो स्वरूप पढ़ा जाता है उसमें पूरे 25 पक्षों का एक संक्षिप्त सा वर्णन है, उसी को दोहराते जाते हैं और मान लेते हैं कि हमने परम धाम की चितवनी कर ली। एक बार से मैंने पूछा कि तुम कितनी देर चितवनी करती हो, कहती है कि मैं 15 मिनट। मैंने पूछा कि 15 मिनट में क्या देखती हो, कहती है कि सारा परम धाम घूम आती हूँ। परम धाम घूमने का तात्पर्य जो सेवा पूजा में बड़ा स्वरूप पढ़ा जाता है, रात्रि का स्वरूप, उसमें पूरे परम धाम का वर्णन है, उसको दोहराते जाते हैं और पूरे परम धाम घूम आए। ये तो बुद्धि की दौड़ है। परम धाम देखने के लिए बुद्धि का जो दरवाजा है उसको बंद कर दीजिए और अपने हृदय में इश्क का दरवाजा खोल दीजिए। श्रृंगार का दूसरा प्रकरण क्या कहा है, हुक्मे इश्क का द्वार खोल लिया है। जब तक प्रेम के दरवाजे से आप प्रवेश नहीं करेंगे तब तक आपको परम धाम में प्रवेश करने का अधिकार ही नहीं मिलेगा। आपका मन कुछ न सोचे, बुद्धि में कोई तर्क वितर्क न रह जाए, केवल प्रियतम। आप देखिए अक्षर ब्रह्म अक्षरातीत के ही सतंग हैं, अनादिकाल से उसी परम धाम के अंदर अक्षर धाम में रहते हैं, चांदनी चौक में प्रतिदिन आते हैं, लेकिन रंगमहल में प्रवेश का अधिकार उनको नहीं मिला। तो जब सरोवर सागर से तो आगे आएगा अक्षरधाम, अक्षरातीत के ही सतंग हैं और आप माया की दुनिया में माया की बुद्धि लेकर जहां अक्षर ब्रह्म नहीं जा पाते उसमें आप घुसना चाहते हैं। सरोवर सागर में तो आप जा नहीं पा रहे हैं जिसके आगे अक्षर ब्रह्म रहते हैं, तो आप सोचिए अक्षर ब्रह्म को भी तब मूल मिलाव में प्रवेश का अधिकार मिलता है जब राज्य सत अंग की शक्ति पर आवरण डाल देते हैं, अपना प्रेम का स्वरूप देते हैं,
तब अक्षर की आत्मा जो अरब में मोहम्मद के रूप में आती है परम धाम में प्रवेश का अधिकार पाती है। आप इस माया की दुनिया में जिस तन को लेकर के बैठे हैं वह तन तो काम क्रोध मद लोभ अहंकार की अग्नि की में जलता रहा है। जो तन विकारों से रहित नहीं हो पाया, जो सुखदेव सनकादिक के स्तर पर नहीं आ पाया, आप सोचिए सनकादिक 5 साल की अवस्था के 4 बच्चे हैं, 5 साल की अवस्था में घर द्वार छोड़कर निकल पड़ते हैं कि हमें परमात्मा चाहिए। सुखदेव छोटी अवस्था में निकल पड़ते हैं कि हमें परमात्मा चाहिए। हम सुंदर साथ नाक तक माया के सुखों की तृष्णा में डूबे रहते हैं। जरा सी मिर्च छोड़ने के लिए कोई राजी नहीं है, चाय छोड़ने के लिए राजी नहीं है, लहसुन प्याज छोड़ने के लिए राजी नहीं है। आप जिस लहसुन प्याज को इतने चाव से खाते हैं, आप गंगोत्री में चले जाइए, आप लहसुन प्याज का पकौड़ा भी आपको खाते हुए पुलिस ने देख लिया तो आपको जेल हो जाएगी। किसी भी ढाबे पर 1000 रुपया देंगे, कहीं मिलता ही नहीं, पूरे गंगोत्री की धरती पर घूम आइए, आपको लहसुन प्याज भी पकाने का अधिकार नहीं। तो आप सोचिए हमारी उम्र तो गुजर गई है, 70% उम्र हमारी गुजर गई, लहसुन प्याज मिर्च और चाय कॉफ़ी का स्वाद लेते लेते 1 घंटा आंख मूंद करके बैठते हैं और 10 दिन बैठकर कहेंगे कि राज्य आते नहीं, परम धाम दिखता नहीं, तो ये सब झूठ है। हमें किस कसौटी से गुजरना होगा? जिस अक्षर ब्रह्म को मूल मिलाव में प्रवेश का अधिकार नहीं, तो आपको तो अपने हृदय में प्रेम लेना होगा पड़ेगा। यदि 1000 टन रुई का ढेर हो, एक माचिस की आग जला दीजिए, जलकर राख हो जाएगा, भले ही आपके अंदर कितना भी विकार क्यों ना, केवल प्रेम ले लीजिए। जब आया प्रेम सुहागी, मोहजन ले रहा भागी, सारी बुद्धि के तर्क वितर्क को किनारे रखकर प्रेम का आधार लीजिए। जब आप वाणी चर्चा कीजिए, पढ़िए सुनिए, तो बुद्धि की दौड़ लगाइए, लेकिन जब चितवनी करने बैठिए, बुद्धि को तिजोरी में बंद कर दीजिए और कहिए कि जब तक मैं चितवनी में बैठा रहूं, तुम मेरे राह में बाधक नहीं बनना। हृदय की परम पुकार से उस प्रीतम के धाम में प्रवेश कीजिए, देखिए सारे दरवाजे खुलते जाएंगे, परम धाम दिखता जाएगा। कैसा है हौज कोसर, कैसा है मानिक पहाड़, कैसा है पुखराज, जहां अस्त्राफिल नहीं जा पाता, अस्त्राफिल फिरस्ता है अक्षर का, जहां जिब्राइल की गम नहीं, अक्षर की गम नहीं, अस्त्राफिल की गम नहीं, माया की छोटी सी बुद्धि लेकर के आप परम धाम में प्रवेश करेंगे, कहां से संभव है। इसलिए पहली शर्त है चितवनी के लिए, आप बुद्धि का द्वार बंद कर दीजिए, केवल हृदय में ऐसा प्रेम लीजिए जो निर्विकार हो, शुद्ध हो। आप अपनी आत्मा का समर्पण प्रीतम के प्रति करके चलिए, देखिए ऐसी स्थिति कभी आएगी नहीं कि आपको निराश होना पड़े। निराशा कब होती है? जब हमारा प्रयास सही दिशा में नहीं होता। इसलिए कह रहे हैं अब आओ रे इश्क भानु हाम, हमारी चाहना क्या है कि देखो वतन अपना निज धाम, मैं अपने मूल घर को देखूं। करो चरण तले विश्राम, मैं आप प्राणेश्वर के चरणों में विश्राम करूं। विश्राम करने का तात्पर्य क्या है? मूल मिलावे में आपके नख से सिख तक की शोभा को देखूं। विश्राम का अर्थ क्या होता है? आराम करना। आराम कब मिलेगा? आत्मा को आराम कब मिलेगा? जब नख से सिख तक अपने प्रीतम की छवि को निहार लेगी। आप प्रेम के बल पर सरोवर सागर से होते हुए, केलपुल से होते हुए, यमुना जी में स्नान करके, आप चांदनी चौक से होते हुए, रंगमाल की सीढ़ियाँ चढ़कर, 4 चौरस हवेलियों को पार करके, पांचवी गोल हवेली में प्रवेश करेंगे, जहाँ युगल स्वरूप सिंहासन पर विराजमान है। वहाँ पहुँचकर नख से सिख तक युगल स्वरूप की शोभा में आप स्वयं को डुबो देंगे। इसको कहते हैं करुण चरण तले विश्राम, और इसके लिए पहली शर्त है प्रेम का होना। प्रेम को पंथ कराल महान तलवार की धार पर धावन है। प्रेम कायरों के लिए नहीं है, प्रेम अकर्मणी लोगों के लिए नहीं है। जो तलवार की धार पर दौड़ने का साहस रखता है, प्रेम उनके लिए, जिन्होंने शरीर और संसार से नाता तोड़ लिया,
जिन्होंने अपनी आत्मा का प्राणेश्वर केवल एक अक्षर अतीत को बना लिया कि मेरा केवल है तो वही है, न सुख की चाहत है न दुख से घबराहट है। मीरा ने कभी कहा था, सूली ऊपर सेज पिया की सोवन किन्वित हो। प्रेम की सज्जा क्या है? सूली के ऊपर सोना है। सूली के ऊपर कौन सोएगा? जिसने पहले ही सोच लिया कि मैं हूं ही नहीं। आप हैं तभी तो मन्नत मांग रहे हैं, आप नहीं होते तो क्यों मन्नत मांगते? मन्नत किसके लिए मांग रहे हैं? अपने परिवार के लिए, अपने आत्मकल्याण के लिए नहीं मांग रहे हैं। आपने अपना दिल दे दिया होता तो किसके लिए मांग रहे हैं? आप सोचिए, आप तो अपने प्रेम में दाग लगा दे रहे हैं। मांगना है तो अधिकार से मांगिए कि मेरे सामने आओ। ये क्यों मांगते हैं कि मैं करोड़पति बन जाऊं, मैं मिनिस्टर बन जाऊं, मेरे बेटे का बेटा हो जाए, मेरी नौकरी लग जाए? आप तो प्रेम पर कालिक पोत दे रहे हैं, व्यापार बना दे रहे हैं। ये सब चितवनी में नहीं चलेगा। अपना हृदय दे दीजिए राज्य को, शांत होकर के बैठ जाइए और हृदय से पुकार कीजिए। आपके विरह के आंसुओं से अक्षरातीत का हृदय द्रवित नहीं होगा, द्रवित तो होगा ही, भागे हुए आना पड़ेगा। कुरान के हरफे मुक्तियात में एक है शब्द साथ, मैं लिखा है तुमको एक बार करो मुहे साथ, दस बार जी जी करूं कर कर तुमको याद। तुम एक बार याद करो कि मैं दस बार तुमको जी जी करूंगा, इसको कहते हैं साध करना। ये दुनिया की बंदगी में नहीं होता। रात को चर्चा के समय मैंने काफी कुछ कह दिया था। आप उन्हीं चीजों को आप दोहराते रहेंगे तो साध नहीं है, वो तो शरीयत है। साध लो या शरीयत लो, दोनों एक साथ नहीं चल सकते। आप सभी शरीयत की दीवारों से सिर मारते मारते आप सिर को लहूलुहान कर लेंगे तो भी वो मिलने का नहीं, वो तो साध से मिलेगा। जहाँ आपकी बुद्धि की दौड़ समाप्त हो गई हो, आप पूरी रात परिक्रमा करते रहिए, क्या होगा? निकट ना आवे नाथ जी। आप 10-10 हजार के बागे चढ़ा दीजिए तो भी निकट ना आवे नाथ जी। आप अपना केवल हृदय क्यों नहीं देते? हृदय देने में तो पैसा भी नहीं लगेगा। आप पैसा दे देते हैं, दिल नहीं देना चाहते। राज्य को पैसे लेकर क्या करेंगे? पैसा रखने के लिए परमधाम में कोई तिजोरी ही नहीं है। उनको तो आपका हृदय चाहिए, क्योंकि आप उनके हृदय के अंग हो, उनके हृदय के स्वरूप हो। उनका अंग होकर, उनके स्वरूप होकर उन्हीं को देना नहीं चाहते। कहते हैं कि मैंने तो हृदय परिवार को दे रखा है, आपको मैं पैसा दे सकता हूँ, एक बागा सिलवा सकता हूँ, मिठाई के पैकेट चढ़ा सकता हूँ, मंदिर बन रहा है कुछ 1-2 लाख की सेवा कर सकता हूँ। राज्य लेकर करेंगे क्या? केवल प्रेम दे दीजिए। वो चाहते हैं कि एक बार तो कोई माया से नज़र हटाकर मेरी तरफ देखे, मुझको देखना चाहे। सुंदर साहब भिकमंगों की लाइन में खड़े हो जाते हैं, मुझे बहुत हंसी आती है। अपने प्राणेश्वर से भीख मांगना उसका सबसे बड़ा अपमान है। अधिकार मांगिए, भीख नहीं। धन न दीजिए, हृदय दीजिए। फिर देखिए कितनी सरल है चितवनी। यदि ये नहीं कर सकते तो चितवनी सारे जीवन भर आंखें बंद किए रहिए, क्या मिलेगा? मासुके मोहे दिल दे करी, मासुके मोहे मिलके करी सो दिल दे कुछ, कहे तू दे पड़ोतर जो मैं पूछत हूँ तुच्छ। मैं कभी कभी अवसर मिलने पर, सुंदर साथ मुझे राधा कृष्ण का वो दिखा देते हैं, मुझे अच्छा लगता है, मैं देख लेता हूँ। पुराण संहिता की टीका करते समय प्रेम का रस काफी अंतर मन में प्रवेश कर गया। उस समय तो मेरी उम्र बहुत छोटी थी, लगभग 25 वर्ष की अवस्था में शायद पुराण संहिता की टीका करने का अवसर मिला था। आप सोचिए, कृष्ण राधा के चरण दबाए, इसका क्या अर्थ ले सकते हैं? आपने रास की टीका पढ़ी है, ब्रज लीला से संसार कम से कम इतना सुख सिख तो ले लिया होता कि यदि श्री कृष्ण राधा के चरण दबा सकते हैं और राधा कृष्ण को पाने के लिए माला लेकर बैठ जाए,
स्तोत्र का पाठ करने लगे, साष्टांग प्रणाम करने लगे, भीख मांगने लगे, तो कृष्ण क्या सोचेंगे कि राधा को किसी मनोचिकित्सक से दिखाना होगा। ये बात हमें समझ में आ रही है, लेकिन हमारे समाज के शीर्ष विद्वत मंडल को ये बात समझ में नहीं आ रही है कि कम से कम हमें अपनी पद्धति में तो कुछ बदलाव लाना चाहिए। अभी भी जगह जगह सुनने में आता है कि यहाँ इतने करोड़ तारतम महामंत्र का जप किया जाना है। सुना है कि शायद अहमदाबाद में कार्यक्रम होने की संभावना है जहाँ इतने करोड़ महामंत्र का पाठ किया जाएगा। ये तो कहना चाहिए कि जीव सृष्टि की यही प्रक्रिया है। तारतम वाणी की 18,758 चौपाइयों में कहाँ लिखा है कि माला पर तारतम महामंत्र का पाठ किया जाए, और महामंत्र शब्द कहाँ लिखा है? तारतम सार जागनी विचार, तारतम धनी के स्वरूप की पहचान देने के लिए। बच्चों के लिए जरूर है कि 5 बार उनको कह दिया जाता है कि तारतम का पाठ कर लो, ताकि उनके मन में राज्य के प्रति भाव बना रहे। आप तो 60 साल के हो गए, आप भी माला लेकर के पाठ करते रहेंगे तो होगा क्या? इसलिए परिक्रमा में प्रवेश करना है, सागर श्रृंगार में प्रवेश करना है, तो नवधा भक्ति को छोड़ना पड़ेगा। ये जितना कुछ चल रहे हैं, पूजा पाठ, परिक्रमा, मंत्र पाठ, ये सब नवधा भक्ति है। जो प्रवाही करते हैं, वैष्णव करते हैं, हम उनकी नकल उतार रहे हैं तो परमधाम कैसे दिखेगा? फिर कह देते हैं कि परमधाम दिखाई नहीं जा सकता, राज्य दिखाई नहीं जा सकता, क्योंकि हमारा रास्ता ही गलत है। हमें पहुंचना है दिल्ली, और हम यहाँ से दिल्ली की दिशा की अपेक्षा पूर्व दिशा में चलते जाएं तो कहाँ पहुँचेंगे? हम तो गुवाहाटी पहुँच जाएंगे दिल्ली पहुँचने की जगह। जो प्रेम का मार्ग है वो हमको परमधाम में ले जाएगा, वो हमको युगल स्वरूप के दीदार करेगा, वो हमें युगल स्वरूप के धाम हृदय में बैठाएगा। और जो नवधा की भक्ति है वो हमें इस संसार में डुबोती रहेगी। किरंतन एक आया है, सारी फाड़ी कंठसर तोड़ी, तोड़ियो नौसर हार। ये 9 लड़ियों वाला हार क्या है? यही तो नवधा भक्ति है। लोक लज्जा की साड़ी को फाड़ कर जिसने अलग कर दिया, नवधा से न्यारा कहो चौदह भवन में ना, ये तो हम खूब गाते हैं। फिर नवधा से न्यारी भक्ति हम क्यों नहीं अपनाते? हम क्यों आज भी करोड़ों मंत्र का जप करने में जितना समय लगाएंगे, पैदल यात्राओं में जितना समय लगाएंगे, पूरी पूरी रात पैर से चलकर के परिक्रमा में लगाएंगे, अपना हृदय राज्य को देकर क्यों नहीं उनके प्रेम में डूब जाते कि सार हमारी आत्मा परम धाम के 25 पक्षों में सीधे क्यों न घूमे? हमें इनको माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का मन का फेर। ये तो कबीर जी जैसे संतों ने इसका खंडन कर दिया। आज तारतम वाणी अवतरित हो चुकी है और हम वैष्णव लोगों की देखा देखकर हाथ में माला लेकर के बैठ जाते हैं कि हम महामंत्र का जप कर रहे हैं। यदि कुछ करोड़ महामंत्र के जप से कुछ मन को संतोष भी हो जाए, लेकिन राज्य का दीदार तो नहीं होगा। वो कहते हैं एक बार साथ करो मुझको, प्रतिदिन के लिए नहीं कहते हैं, एक बार। जो जीवन में एक बार भी मुझे साथ कर लेगा, मैं उसके सामने 10 बार जीजी करके आने के लिए तैयार हूँ। हम चितवनी में भी बैठते हैं तो रुखे दिल से बैठते हैं, दिल नहीं देते। प्रेम की पहली शर्त है अपना दिल दे देना, अपने बारे में नहीं सोचना। अपना दिल लुटा दीजिए, जिसको अपने दिल लुटाया है वो तो आपके आगे कहेगा कि बोलो तुम्हें आनंदित करने के लिए मैं क्या करूं। यदि वह अक्षरातीत ब्रजलीला में राधा के पांव दबा सकता है, रास में चोटी गूंथ सकता है, तो क्या वो बेचारा आपके सामने नहीं आएगा? आप क्यों उस पर दोष लगाते हो कि राज्य नहीं आते? उन पर दोष लगाने से पहले सोचिए हमारी जीवा क्यों नहीं गिर जाती। हमारा प्राणेश्वर है, पहले हम तो अपना हृदय दें, उससे प्रेम करना सीखें। यही कह रही है महामती जी की आत्मा, करूं चरण तले विश्राम, मैं आपके चरणों में विश्राम करूं।
विलसो पिया जी सो प्रेम काम, विलसो पिया जी सो प्रेम काम। और प्रेम की चाहना लेकर वाणी में प्रेम काम शब्द कई जगह आया है। ये काम शब्द ऐसा है जिसका वास्तविक अर्थ न समझने के कारण सुंदर साध्वी भ्रमित होता है। रास में एक चौपाई आती है, मोहे पीड़े ते अति काम, मुझे काम पीड़ा दे रहा है। तो इस काम का अर्थ विद्वत वर्ग ने काम विकार से ले लिया। पहले बात तो सोचिए, काल माया के ब्रह्मांड में जो सतोगुण की अवस्था में होता है उसको के भी काम विकार नहीं सताता। कामा ऐसा, क्रोधा ऐसा, रजोगुण समुद्भव। जहाँ रजोगुण है तमोगुण है वहाँ काम क्रोध आदि विकार होंगे, सतोगुण में नहीं होगा। बेहद मंडल और वो भी केवल ब्रह्म की लीला भूमिका, वहाँ तो काम शब्द ही नहीं होगा। यहाँ कहा गया है विलसो पियाजीसो प्रेम काम। काम का अर्थ होता है इच्छा। मेरे हृदय में प्रीतम के प्रेम के अतिरिक्त कुछ भी इच्छा न रह जाए। आप देखिए, श्री देवचंद जी के तन में राजी बैठ चुके हैं और बता भी दिया है कि देखो पहला तन तुम्हारा रहेगा, दूसरे तन में मैं मिराज के तन में विराजमान होऊंगा और उस तन से जागने की सारी लीला होगी। अब श्यामा जी की आत्मा उस तन में है, अंदर इच्छा है मेरे तन से जागने क्यों नहीं हो रही। रू अल्लाह करी बंदगी या में उनकी मैं, तो गुनाह कहया इन पर जो मांग लिया हक पे। अपनी बंदगी का पुरस्कार चाहते हैं कि मैंने आपको पाने के लिए इतना कष्ट सहा है, तो राजी मेरे तन से भी तो जागने करा लीजिए। जिन सुंदर साथ ने पुराण संहिता पढ़ी है वो इस बात को जानते हैं कि जब रास की लीला हो रही थी, इंद्रावती की आत्मा ने श्री कृष्ण की भूमिका अदा की विरह की लीला में, और इसी का परिणाम हुआ कि इस जागनी लीला में इंद्रावती जी की आत्मा को राजी ने अपनी सारी शोभा दी। अब आपके मन में संशय होगा कि कदाचित हम भी इंद्रावती जी की तरह कुछ विशेष कार्य कर दिए होते तो जागनी लीला में राज्य हमको भी वही अधिकार देते तो सुंदर साथ में हमारी शोभा होती। क्योंकि शोभा शब्द बहुत घातक है। सब सुंदर साथ मुझे अक्षरातीत माने, मुझे बड़ा माने, ये ऐसी खाई है जिसमें गिरने के बाद निकलना कठिन हो जाता है। आप देवचंद जी को देखिए, देवचंद जी के तन से यही भूल हो गई। उस तन से राज्य लीला करवा रहे हैं लेकिन हंसी करा रहे हैं। वह तन 69 पातियां लिखवाता है कि सब सुंदर साथ मिलकर एक साथ सिफारिश करें राज्य, तो सिफारिश को मान जाएंगे और मेरे तन से जागनी करवा लेंगे। कितनी मेरी हंसी होगी कि इंद्रावती के तन से जागनी हो रही है होगी और मेरे तन से क्यों नहीं। आखिर इस दुनिया के हिसाब से सदगुरु तो मैं हूँ, ये कितनी बड़ी भूल है। हम सुंदर साथ भी यदि राज्य से कुछ मांग लेते हैं तो ये बहुत बड़ी भूल है। अपने लिए मत मांगिए। सब साथ ना मनोरथ पूर्जो मारा धनी श्री धाम। इंद्रावती जी ने कहीं नहीं कहा कि मेरी इच्छा पूरी कर दीजिए, कि सारी वाणी मेरे तन से करवा दीजिए। कुछ चाहत नहीं, जहाँ चाहत होती है। अरे एक फकीर से पूछिए, चाह नहीं चिंता नहीं मनवा भी परवा, जाको कुछ नहीं चाहिए सोई संसा। इस दुनिया के जीव सृष्टि में भी फकीर उसको कहा जाता है जिसको कुछ नहीं चाहता। कब्र में लंगोटी भी है कि नहीं है, पत्तों से भी काम चला लेता है, एक मुट्ठी अन्न का भी संग्रह नहीं करता। वृक्ष के नीचे बैठा हुआ है, खाने को दे दिया तो खा लिया, नहीं तो पानी पी करके मस्त है। भर्तृहरि कहते हैं, भर्तृहरि जानते हैं सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बड़े भ्राता हैं। पिंगला के गलत मार्ग का अनुसरण करने के कारण उनको वैराग्य होता है। घर द्वार और राजमहल छोड़ने में एक मिनट पल की देर नहीं करते, संन्यास का वस्त्र धारण कर लेते हैं। अब वैराग्य हो चुका है। एक कहते हैं, गंगा तीरे हिमगिरि शिला बद पद्मासनस्य, ब्रह्म ध्यान अभ्यास विदिना योग निद्राम गतस्य। वे दिन कब आएंगे जब मैं गंगा के किनारे किसी चट्टान पर बैठा रहूंगा, इतने ध्यान में डूब जाऊंगा कि हिरण अपने सिंगों से मेरी पीठ में खुजलाया करेंगे लेकिन मेरा ध्यान नहीं टूटेगा। एक सम्राट, भारत का सम्राट, छोटा मोटा राजा नहीं,
उस पल की कल्पना कर रहा है जब गंगा के किनारे अकेले बैठा होगा, संन्यास ले लेते हैं, खुश हैं, राजाओं को संबोधित करते हुए कहते हैं कि राजाओं तुम अपने हीरे मोतियों से और आभूषण से लदे हुए राजसी वस्त्र को पहन करके धारण खुश होते हो, तो हमारे पास भी कंथा है। कंथा जानते हैं, गुदड़ी। हम तो अपनी गुदड़ी में खुश हैं, तुम 56 व्यंजन खा करके खुश हो, तो हम तो भिक्षा में मिले हुए सत्तू को घोल कर भी पी लेते हैं, हम उसी में खुश हैं। आप सोचिए, इसको कहते हैं वैराग्य। आप सुंदर साथ को निवास में किसी चीज में थोड़ी सी कष्ट होता है, आप भी कितने बौखला जाते हैं। और वो सम्राट है जो सत्तू पर गुजारा कर रहा है। आप सुंदर साथ को तो जिनको मिर्च खाने की आदत होती है, सरसावा आ जाते हैं, बेचारे फंस जाते हैं, सोचते हैं कि यहाँ तो मिर्च मिले ही नहीं। उनकी तृप्ति के लिए चाय का स्टॉल अलग लगाना पड़ता है कि रसोई घर में मिलेगा नहीं, चलो स्टॉल पर ही मिल जाए। और वो सम्राट है, न जाने कितने व्यंजन वो प्रतिदिन खाते हैं। अब सत्तू में किसी ने जौ का सत्तू दे दिया, किसी ने मक्के का सत्तू दे दिया, बेचारा उसी में खुश है, क्योंकि उसको चाहिए क्या, केवल प्रेम, अपने आराध्य का प्रेम। बिलसु धनी जीसो प्रेम काम। प्रेम काम का तात्पर्य मेरी केवल प्रेम की चाहना है। प्रेम है हमारो धन, हमारा धन, हमारा जीवन, हमारा प्राण, केवल प्रेम है। इसलिए अक्षरातीत को क्या कहते हैं, प्रेम घन। प्रेम का भंडार है, आनंद का भंडार है। प्रेम ही जिसका जीवन हो, उसको प्रेम के सिवा क्या चाहिए। इसलिए जहाँ भी प्रेम काम शब्द आए, उसका अर्थ आप समझिए केवल प्रेम की चाहना। रास ग्रंथ हो या कहीं भी वाणी में काम शब्द का अर्थ काम विकार से नहीं लेना चाहिए, काम का अर्थ चाहना है। यदि आपको राज्य से सच्चा प्रेम है, तो आप केवल राज्य से प्रेम की चाहना करेंगे, उनकी नियमतों की नहीं। आप मेहर सागर का गोटा क्यों पढ़ते हैं? मेरे पास भी सुंदर साथ अपना आकर दुख रोते हैं, मैं भी कह देता हूँ कि मेहर सागर का पाठ कर लो, क्योंकि मुझे मालूम है कि इस बेचारे की इच्छा सांसारिक दुखों से मुक्त होने की है। नौकरी नहीं लगे तो मुझे भी कहना पड़ता है, बार बार कोई पूछेगा तो क्या कहूँगा, चलो मेहर सागर का पाठ कर लो, ये कर लो, क्योंकि सुंदर साथ दुखों से भागना चाहता है। आई मौज फकीर की दिया झोपड़ा फूक, जिस झोपड़े को बनाया था उसकी मस्ती चढ़ी, उसको फूक दिया, चलो पेड़ के नीचे गुजारा कर लेंगे। आपको परम धाम का धन दिया गया है, आप संसार के प्राणियों की तरह रोते रहते हैं, ये कष्ट है, ये कष्ट है, क्योंकि आपने अपना हृदय दिया नहीं, आप राज्य से राज्य का प्रेम नहीं चाह रहे। मेहर सागर जो अक्षरातीत के का पूर्ण स्वरूप है, सातों सागरों का रस जब आपको मिलने लगे इस दुनिया में, यहीं बैठे बैठे राज्य के नूरी सौंदर्य को देखने, परम धाम के नूर का आभास होने लगे, रूहों की शोभा का आभास होने लगे, एकत्व का आभास होने लगे, युगल स्वरूप की शोभा हृदय में उमड़ने लगे, इश्क का रस आने लगे, तारतम वाणी की मार्फत का ज्ञान आपको आने लगे, मूल संबंध का आभास होने लगे, आपको अपनी परात्म का श्रृंगार दिखने लगे, इसको कहते हैं मेहर बरसना। और आप तो हीरा फेंक कर कांच बटोर रहे हैं। सरसावा आने वाले सुंदर साथ कम करते होंगे, लेकिन बेचारे जो सुंदर साथ किसी कारणवश यहाँ की मान्यताओं से दूर रहते हैं, घृणा करते हैं, वो तो आज भी वही जो 40 साल पहले करते थे, आज भी वही सवेरे सवेरे गोटा लेकर के बैठ जाएंगे, राज्य की मेहर हो जाए, राज्य की मेहर हो जाए, मेरा पोता खुश रहे, मेरा बेटा खुश रहे, मेरी बहू खुश रहे, मेरी संपदा घर में आती रहे, और इसी में संतुष्ट हो जाते हैं। हम तो अक्षरातीत से जैसे कोई राष्ट्रपति के पास जाकर एक कप चाय की मांग कर देता है, हम संसारिक पदार्थों की मांग करके अपना अखंड धन खो देते हैं। इसलिए आप मेहर सागर के भाव को समझिए, पुराने कर्मकांड की प्रक्रियाओं को छोड़िए, मेहर सागर का पाठ बच्चों से कराइए, ताकि उनकी बुद्धि शुद्ध हो और राज्य का प्रेम मांगे। आप भी अपना अधिकार मांगिए। यदि आपको सागर श्रृंगार की सुध नहीं है,
तो मेहर सागर का पाठ करके सीधे कहिए, आओ इत बैठो बीच तखत, मेरे हृदय के सिंहासन पर बैठो। हृदय आओ तो कहूँ, इत बैठो बीच तखत, मेरे हृदय में आइए और मेरे हृदय के सिंहासन पर बैठिए, इसके अतिरिक्त और कुछ न मांगिए। जिस दिन आप ऐसा करने लगेंगे उस दिन आपका जीवन धन धन हो जाएगा। अब समय सुकृति नहीं देता, आगे का कार्य बहुत है, चल छुपाए दूर। बिल सो पिया जी सो प्रेम काम, अब आओ रे इश्क भानु हाम, देखो वतन अपना निज धाम, करो चरण तले विश्राम। बिलसो पिया जी सो प्रेम काम, बिलसो पिया जी सो प्रेम। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारी की जय।